उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों का उत्तराखंड आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से अव्यवस्था की स्थिति भी बन रही है। वहीं इस अव्यवस्था को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। पट खुलने के दौरान स्थानीय निवासी अपनी परंपराओं के अनुसार धामों में देव डोलिया लेकर पहुंचते हैं और अपनी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पर्यटन मंत्री ने यमुनोत्री में हुए वायरल वीडियो को लेकर कहा कि धामों की वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। समयानुसार सभी व्यवस्थाएं रेगुलेट हो जाएंगी और यहाँ पर विषम परिस्थितियां भी हैं। वहीं जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि क्राउड को रेगुलेट किया जाए और जल्द ही क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए ऐसा है, मैं बताऊं आपको, जो क्राउड नीचे से गया, बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है, तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है, थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज़ रेगुलेट हो जाएगी, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है। और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए।